साबूदाना का खीर आपको जल्दी गाढ़ा हो गया, लेकिन ये मेथड में आप ट्राई कीजिए, एक टाइम आपको साबूदाना का खीर जल्दी गाढ़ा ना हो जाएगा। मैं 3 चम्मच वो साबूदाना ले लिया, इसमें पानी डाल के अच्छा वॉश करके आधा घंटा सो करना है। 2 टाइप आप वो साबूदाना है, एक आटा जैसा होता है मोटा मोटा, एक नाइलॉन बोल के थोड़ा ग्लास जैसा होता है, मैंने थोड़ा मोटा वाला ले लिया आज। आपका कोई भी पसंद है आप ले सकता है। इसे आधा घंटा पानी में सो करना है। मैंने थोड़ा आधा चम्मच घी डाल के थोड़ा बादाम, ये सिरंजी सीड्स बोलता है ना, मिक्सर में ऐड करती है ना, वो सीड्स ड्राई क्रिप्स डाल के पहले इसे अच्छा फ्राई करके लेना है। वो सेम घी में मैंने 3 चम्मच वो सेमिया ले लिया, उसको भी थोड़ा अच्छा फ्राई करना है। मैंने कुकर में 1/2 लीटर पानी डाला, 1 ग्लास दूध डाला। मैंने आज वो कुकर को बंद नहीं किया, मैं ओपन में ही आज किया था। अभी साबूदाना अच्छा सोक हो गया, अभी हमारा पानी और दूध भी अच्छा गर्म होने के बाद साबूदाना ऐड करना है। साबूदाना अच्छा बॉइल्ड होना चाहिए। अभी हमारा साबूदाना अच्छा बॉइल्ड हो गया, इसी टाइम वो फ्राइड सेमिया है ना, वो सेमिया को इसमें ऐड करना है। सेमिया भी अच्छा बॉइल्ड होना चाहिए। अभी सेमिया भी अच्छा बॉइल्ड हो गया, मैंने शुगर ऐड किया। आपको कितना स्वीट चाहिए उतना स्वीट्स ऐड कर सकता है। थोड़ा का इलायची पाउडर, 1 पिंच साल्ट डाल के और फ्राइड नट्स डाल के अच्छा मिक्स होने के बाद हमने गैस से हटा दिया। इसे थोड़ा ठंडा होना देना है, ज़्यादा गर्म में वो कोकोनट मिल्क ऐड नहीं करना। ये हम पहले वीडियो में डाला ना, कोकोनट ऑयल रेडी किया ना घर में, वो ऑयल रेडी करने के बाद थोड़ा मिल्क हुआ ना हमको बैलेंस मिल्क, वो मिल्क यूज़ करके मैंने आज ये खीर रेडी किया। आप फ्रेश कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकता है, लेकिन कोकोनट मिल्क डालने की वजह से आपका खीर जल्दी वो गाढ़ा ना हो जाएगा, लेकिन टेस्ट भी बहुत स्वादिष्ट होता है, अच्छा क्रीमी मीठा टेस्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट। आप टाइम एक टाइम ज़रूर ट्राई कीजिए। वो समर टाइम में ये थोड़ा फ्रिज में रख के खाने का भी बहुत मस्ती होता है, बहुत अच्छा रेसिपी है। आप एक टाइम ज़रूर ट्राई करके बोल दीजिए कैसे है हमारा खीर।